सब कुछ है मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते एक और सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया वचन की सेवा को लेकर आप लोगों के बीच में आने के लिए। उस पिता का सच में कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो वचन है दो तीमुथियुस उसका चार की दूसरी आयत से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ, जहाँ पर लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर और समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आमीन। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को क्या शिक्षा देता है, वो कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय क्या कर, तैयार है। वो तीमुथियुस को कहता है कि तू क्या कर, तू बस वचन का प्रचार करता रहे, समय असमय आत्मा में तू क्या कर, तू तैयार रहना, है ना। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग जब कहीं वचन की सेवा करने के लिए एक बार कहीं जाना, कहीं अचानक से कहीं आ जाती है कॉलिंग जाने के लिए, परमेश्वर का आत्मा भी गाइड करता है कि वहाँ पर जाना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जब सेवा का समय आए तो हम आत्मा में तैयार ही ना रहें, है ना। इसलिए बार बहुत बार बोला गया कि समय असमय क्या करो, तैयार हो। हमारी आत्मा में हमें हर समय क्या रहना है, पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं कि तू आत्मा में हर समय क्या करना, तैयार रहना, कि जब किस घड़ी परमेश्वर का आत्मा कहीं भेजे तो वहाँ पर हमें क्या करना है। उस समय ऐसा ना हो कि हमें ये कहना पड़े कि नहीं यार अभी हमारी आत्मा में तैयारी नहीं है, अभी हमें और फास्टिंग्स रखनी है, अभी हमें प्रेयर के साथ हम वो सब कुछ करेंगे। हमें आत्मा में हर समय तैयार रहना है। प्रभु का आत्मा कब कहाँ किस जगह ले जाएगा कोई नहीं जानता, जैसे हवा कब आती कहाँ जाती कैसे जाती है कोई नहीं जानता, उसी तरीके से परमेश्वर का आत्मा हमें कब किस घड़ी किसके लिए इस्तेमाल कर लेता है कोई नहीं जानता। क्योंकि मैं अपने जीवन में देखी हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे होते हैं घर पर आराम से वचन पढ़ रही हूँ या कुछ भी है, तो कई बार अचानक से प्रभु का आत्मा बोलता है कि उसके लिए प्रार्थना कर, या उसके घर जाओ, उसको समझा, उसको ये कर, उनसे बातें कर। तो कभी भी किसी भी समय कहीं पर भी भेज सकता है, तो हमें क्या करना है, हमें हर समय तैयार रहना है आत्मा में, ताकि कहीं पर भी प्रभु का काम अगर हमें करना पड़े तो हम आत्मा में स्ट्रांग होकर परमेश्वर के अभिषेक के साथ हम लोग उस काम को करने वाले बने। हर समय हमें पवित्र आत्मा के साथ बने रहना है, उसकी सहभागिता में हमें बने रहना है, उसके अभिषेक में, उसके सामर्थ्य में। हर एक दास और दासियों का कहते ना यही एक काम ही तो रहा है हमारे पास, और क्या है कि हम अगर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो परमेश्वर के अभिषेक के साथ हम बने रहें, उस पवित्र आत्मा के साथ हम लोग लिपटे रहें हर समय, ताकि क्या हो, हर समय जो भी काम हो परमेश्वर के अभिषेक और उसके सामर्थ्य से भर के हो, ताकि जो भी बीज परमेश्वर की सेवा में जब छींटे जाते हैं तो वो पाखरू की ओर से हो, ताकि वो हर एक छींटा हुआ बीज फलवंत होने पाए, एक भी बीज फिर वो ऐसे यूं ही खाली व्यर्थ न जाए, है ना। इसलिए पौलुस भी तीमुथियुस को कहता है कि तू क्या कर, हर समय तैयार है, आत्मा में तुझे क्या करना है, हर समय तैयार रहे, और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ क्या कर, उल्हाना दे। क्या बोला, कि सब प्रकार की सहनशीलता, कि तेरे अंदर सहने का स्टेमिना होना चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को डांटते, क्योंकि यहाँ बोला कि सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे, डांट और समझा। क्योंकि कई बार होता है प्रियो, मैं दूसरों को नहीं जानती, मैं अपना ही बताती हूँ, कि कई बार जब प्रभु का आत्मा गाइड कर रहा होता है या सामने इंसान जब गलत चाल चल रहा होता है, समझ में आ जाता है कि ये बंदा वचन के अगेंस्ट चल रहा है। क्योंकि कहते हैं कि जब हम किसी बच्चे को जान रहे हैं शुरू से, जो प्रभु में नहीं था और जो प्रभु में आया, उसका उठना बैठना चलना फिरना, कहते ना कि माँ अपने बच्चे के बारे में हर एक चीज़ जानती है कि वो कैसा है और कैसा नहीं है, है ना। और जब कोई बात, कोई चाल चलन उनका टेढ़ा मेढ़ा दिख जाता है, कोई बात ऐसी होती है जहाँ पर उनको समझाना पड़ता है, कई बार डांटना भी पड़ता है उन बातों को लेकर कि तुम ये क्या काम कर रहे हो, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें क्या समझाया गया लेकिन तुम क्या कर रहे हो। जैसे वचन बताता है कि ज्योति का अंधकार से क्या मेल है, है ना, उन ज्योति अंधकार का कोई मेल नहीं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग क्या करते हैं, उस चीज़ में एक होने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर उन्हें समझाया जाता है। या कुछ लोग एडल्ट्री में कर रहे होते हैं, या कुछ चोरी में, कुछ झूठ में, कुछ छल में, कोई दूसरे छुपा के इन सारी बातों को जब कर रहे होते हैं, और जब देखा जाता है कि ये वचन के खिलाफ चल रहे हैं, तो वहां पर उसने बोला कि सहनशीलता से और शिक्षा के साथ उनको क्या कर, उल्हाना दे और डांट और समझा। ये एक चरवाहे का रिस्पॉन्स, एक चरवाहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर भेड़ कहीं भटक रही है तो चरवाहा उसको डांट लगाए,
चरवाहा उसको उलाहना दे उस बात का, और शिक्षा के साथ क्या करे, उसको समझाए कि वचन के हवाले दे देकर कि वचन में ये लिखा है तुम्हें ये समझाएगा, लेकिन तुम इसके पलट कर रहे हो। क्योंकि पौलुस तीमुथियुस को कह रहा था कि तू क्या कर, बड़े सहनशीलता के साथ, क्योंकि जब किसी को समझाया जाता है कई बार, कोई लोग तो होते हैं बड़े अच्छे से, मतलब सुन रहे होते हैं चुप करके, लेकिन कई लोग पलट जवाब दे देते हैं, कई लोग पलट जवाब देते हैं, तो उस समय बड़ी सहनशीलता की जरूरत होती है, और ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो कहते हैं कि सुनने की कभी हमने उम्मीद भी नहीं की होती है, ऐसी ऐसी बातें सुनने को कई बार हमें मिल जाती हैं। तो कहते हैं कि तुझे बड़ी सहनशीलता के साथ और शिक्षा के साथ लोगों को क्या करना है, तुझे उलाना देना, डांटना और समझाना है, क्योंकि भेड़ को अगर चरवाहा ही नहीं हैंडल करेगा, परमेश्वर ने चरवाहों को ही राइट दिया है कि अगर कोई भेड़ गलत चल रही है तो चरवाहे उनको समझाएंगे। चरवाहों की ड्यूटी ही क्या दी है परमेश्वर ने, क्यों उनको नियुक्त किया भेड़ों के ऊपर, ताकि वो अगर कई भेड़े कहीं पर गलत चल रही हैं तो उनको वो डांटे, उनको समझाए और उलाहना दे। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि हम किसी को डांटते हैं तो सामने से एक ही वचन को कोट करते हैं कि आप किसी का न्याय ना करें, आप किसी को जज ना करें, आप किसी को ये ना करें, आप किसी को वो ना करें। अरे जज करना, न्याय करना किस बेस पर बोला जाता है वो चीज़ें? न्याय करना वो कि हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं और हम उसके बारे में मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं और किसी के बारे में बस बता ही दे रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा है, तो वहाँ होता है न्याय करना। अगर आप एक भेड़ के रूप में है और चरवाहा आपको देख रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, अगर आप एडल्ट्री में हैं, किसी के साथ फ़ोन पे लगे हुए हैं बातों में, चिट चैटिंग आपकी चल रही है, तो वहाँ पर अगर चरवाहा डांटेगा, उलाहना देगा और उसको समझाएगा, ये राइट जो है एक चरवाहे के पास है कि वो भेड़ को क्या करे, समझाए। क्योंकि अगर भेड़, क्योंकि पुराने नियम अगर हम पढ़ते हैं तो एक जगह पर लिखा है कि अगर कोई जन गड्ढे में गिर रहा है तो तू उसको संभाल, क्योंकि वो तो नहीं जान रहा कि वो गड्ढे में गिर रहा है, तो वो तो गड्ढे में गिरेगा, उसका तो नुकसान होगा होगा। अगर तेरे सामने देखते हुए तुझे पता चल रहा है कि वो गड्ढे में गिर रहा है, वो वचन के खिलाफ चल रहा है, वो अपने आप को नरक की ओर धकेल के लिए जा रहा है, और तू उसको समझा नहीं रहा, तू उसको बचा नहीं रहा, तो वो तो गिरेगा गिरेगा, लेकिन उसका दोष तेरे ऊपर ही आएगा, वो तेरे ऊपर ही आएगा। अगर हम एक चरवाहे की पदवी पर हैं और हमारे सामने अगर कोई भेड़ गलत कर रही है, तो यह हर एक चरवाहे की ड्यूटी बनती है कि वो उसको क्या करे, वो डांटे। और डांटना भी कैसा, अब जैसे मान लो किसी ने कोई पाप किया, कोई गलती करी, किसी ने कोई चोरी करी, या किसी ने कहते ना कि छल कोई बात छुपाई जो नहीं छुपाने की थी, या मैं कहूँ कि कोई एडल्ट्री में किसी ने कुछ काम किया, तो उस बेस पर जब किसी को डांटा जाता है तो डांटने के लिए भी पौलुस ने तीमुथियुस को बताया है। एक तीमुथी 5:20 आयत से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ, जो लिखा है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। अगर मान लो कोई एडल्ट्री कर रहा है, ठीक है, अगर मैं उसको एक कोने में ले जाकर बोलूं कि भाई तुझे ये काम गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक बार समझाया, दो बार समझाया, नहीं समझे, और उस गलती को बार बार आप एक साइड में ले जाकर उसको समझाएंगे, वही गलती कलीसिया का कल कोई और बच्चा खड़ा होकर करेगा, तो क्या सबको आप अलग अलग करेंगे समझाने के लिए? यहाँ पर क्या लिखा, कोई अगर पाप करे तो सबके सामने उसको क्या कर दे, समझा, ताकि और लोग भी डर जाए। अगर एक जना गलती कर रहा है तो उसको अगर जब सबके सामने झड़प पड़ती है, डांट पड़ती है, तो वो क्या है, दूसरा भी गलती करने से रुक जाता है कि इसको अगर दीदी ने इस तरीके से डांटा है, या भैया ने, या पास्टर ने इस तरीके से डांटा है, तो वो वॉट हमारी भी लगेगी, हमें संभल कर चलना है, हमारी कोई भी गलती पता ना चल जाए, हमें कोई गलती नहीं करनी है। गलती करेंगे तो इस तरीके से क्लास उस बच्चे की लगी है, उस बहन की लगी है, उस भाई की लगी है, तो वो हमारे साथ भी हो सकता है, वो गुनाह करने से बच जाएंगे। लेकिन वो कहते ना कि आज बिल्कुल ही अलग चल रहा है, उनको अगर डांट दिया जाता है तो वो डांट बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसकी बजाय दूसरी ही बातों को सामने लेकर आते हैं। और यहाँ पर लिखा, इसलिए तीमुथियुस ने उसको बोला, पौलुस ने बोला तीमुथियुस को, कि तू बड़ी सहनशीलता के साथ कि जब किसी को डांट लगाई जाएगी, फटकार लगाई जाएगी, तो सामने से पलटवार भी हो जाते हैं, सामने से बहुत सी बातें ऐसे बोल दी जाती हैं जो उस समय कड़वी लगती हैं। एकदम से तुझे हाइपर नहीं होना, तुझे बड़ा धीरज धरना है, बड़े सहनशीलता के साथ तुझे क्या करना है, वहाँ पर काम करना है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश
ना सहसा कहेगा। पौलुस ने कहा कि ऐसा समय आएगा, और वो समय अब है, वो कहते ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरे उपदेश नहीं सुन पाएंगे, आलोक को जब खरी शिक्षाएं दी जाती हैं कि आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना। अब जैसे मान लो अभी जो तीज त्यौहार गए हैं, जितने भी पर्व गए, बहुत से लोग क्या करते हैं प्रभु में होने के बावजूद भी, क्या कहते हैं, मेरे पास एक आज से 4-5 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, एक लेडी मेरे पास आई थी, तो वो क्या बोली ना कि दिवाली पूजा करनी थी, और उसके पति ने बोला दिवाली पूजा कर भाई, तो बोली ठीक है, वो डर के मारे कहती मैंने तो प्रभु के नाम से दिए जला दिए, कि प्रभु तेरे नाम से दिए जला रही हूँ। मैं क्या ऐसे नहीं करना। तो जब उनको इस तरीके की शिक्षाएं दी जाती हैं कि आपको एक राह पर चलना है, थोड़ा सा दुख आएगा, प्रार्थनाएं करें, सताव तो आएगा, सताव को तो हमें सहना है ना, तो जब इस तरीके की खरी शिक्षाएं दी जाती हैं तो वो चीज उनको समझ में ही नहीं आती है। खरे उपदेश तो सुनना चाहते ही नहीं है, उनको वो चाहिए जो उनके हाँ में हाँ भरे। ठीक है, आप छठ पूजा कर रहे हैं, ओके, आप दिवाली पूजा कर रहे हैं, ठीक है, आप करें, प्रभु है ना साथ, प्रभु देख लेंगे, आप बस प्रार्थना करिए, प्रार्थना वो कुछ भी करें, लेकिन आप अंदर ही अंदर से प्रार्थना करते रहें, तो ये कोई लॉजिक नहीं बैठता, ये कोई लॉजिक नहीं बैठता। और लोग ऐसी खरी शिक्षा सुनना चाहते ही नहीं, उनको वो वाले उपदेशक चाहिए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, जो उनको बोले ठीक है आप जैसे कर रहे हैं, आप दी बेस्ट कर रहे हैं, प्रभु तो बड़ा प्रेमी परमेश्वर है, आप कर लेना, फिर माफी मांग लेना, प्रभु तो सब कुछ जानते ही है ना, हमारे घर के हालात क्या है, कैसे होगा, कैसे हमें घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं कराना है। अरे आप किस बात को कहाँ पे कहाँ फिट कर देते हैं, अगर इन बातों के पीछे कहते ना हमें तो यीशु के लिए खड़े होना है, अगर हम यहाँ इनकार करेंगे तो ऊपर वो हमारा इनकार कर देगा। इनकार करने का मतलब क्या, आप किसी भी चीज में अगर आप यीशु का इनकार कर रहे हैं, आप ये बोलने में इनकार कर रहे हैं कि हम प्रभु को मानते हैं लेकिन हम घर में कुछ और कर रहे हैं, डर के मारे आप बता ही नहीं रहे हैं, उन्हीं रीति रिवाजों को फॉलो कर दे रहे हैं डर के मारे, तो ये चीजें गलत है, हमें इन चीजों से बचना है प्रियो। जब खराई के साथ ही विश्व के साथ चल रहे हैं, आपने यीशु ने आपको चुन लिया और आप उसमें बढ़ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको ईमानदारी के साथ उसके साथ चलना है, निरंतर प्रार्थना करते रहे, प्रभु हर एक बातों को संभालेगा, थोड़ी सी दुख तकलीफ आएंगी, थोड़ा सा सहना पड़ेगा, सब कुछ होगा, लेकिन जब आप प्रभु को पुकारेंगे तो वो सताव भी निकल जाएगा, पता भी नहीं चलता कब कहां से क्या आया और क्या निकल गया। वो कहते हैं अंत समय में क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सके, आज खराई की बातें कोई भी नहीं सुनना चाहता। उनको बोलो कोई प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, उनको बोलो आप वचन पढ़ते हैं, भोर के समय उठते हैं, नहीं, अच्छा अभी भी गाली आपके मुंह से निकल रही है, हाँ, समय कितना दे रहे हैं, नहीं दे पाते, तो भैया पहले समय दो, आप उठे परमेश्वर को समय देंगे तभी तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा ना। आलोक प्रभु के लिए तो कुछ करना नहीं चाहते, प्रभु के लिए तो क्या कहूँ, अपनी आत्मा के लिए ही खुद समय नहीं निकालना चाहते हैं, परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं बैठते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, बस ये चाहते हैं कि कोई भी उनके लिए प्रार्थना करे और प्रभु उनके लिए काम कर दे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। परमेश्वर ने कहा कि अपने सारे तन मन प्राण शक्ति से तो क्या करूँ उससे प्रेम कर, अपने जीवन में पहला स्थान तो मुझे दे, क्योंकि परमेश्वर जान रहे थे कि अगर पहला स्थान हमारे जीवन में परमेश्वर का नहीं हुआ तो हमारा जीवन गड़बड़ी के अंदर चला जाएगा। बहुत से लोगों को बोला कि सुबह उठकर क्या करते हैं, उठते ही पहले चाय बनाते हैं, घर में काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अरे तो प्रभु को जब समय खत्म, जब सब मिलता है, जब सारा काम खत्म करते हैं तब हम वचन को उठा के बैठते हैं, तो उसको पहला स्थान देना थोड़ी बोलेंगे, वो तो आप बच्चा कुछ समय दे रहे हैं कि जो बच गया सारा काम खत्म हो गया, प्रभु तू और मैं बस, अब और काम ही क्या है, टाइम पास करने के लिए बाइबल उठाएंगे और बैठेंगे पढ़ेंगे, वो पहला स्थान देना नहीं होगा। पहला स्थान देना कि जब आप उठते आँख खुलते आपके हाथ में बाइबल आए। ये बातें तो हमें नहीं सुननी, ये बातें आप ना बताएं, बस आप कुछ ऐसा बताएं कि आप रात को लेट सो रहे हैं, ठीक है ओके, सुबह आप कितने बजे भी उठ रहे हैं, 10 बजे 11 बजे आप उठें और उठ के बस कोई बात नहीं, एक भजन सीता ही पढ़ लो, छोटी सी बस पढ़ लो और चले जाओ, तो क्या ऐसे प्रभु का आत्मा काम करेगा, ऐसे हम आत्मा में बढ़ेंगे, ऐसे हम स्वर्ग की ओर जाएंगे। सकड़ा है वो मार्ग जो परमेश्वर की ओर लेकर जाता है, जो अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है, चौड़ा है वो फाटक जो विनाश की ओर लेकर जाता है। सकड़े मार्ग में जाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, अपनी नींदों को छोड़ना पड़ेगा, अपनी जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को हमें देने के लिए बहुत सी चीज़ों को कहते हैं ना कि साइड करना पड़ता है, हर एक डिसीजन में, हर एक चीज़ में हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए।
जैसे कि ऐसे समय आने वाला है कि लोग इन बातों को सुनेंगे नहीं और वो अपने मन मुताबिक क्या करेंगे, उपदेशक ढूंढ लेंगे जो उनके अकॉर्डिंग उनसे बातें करेंगे। ठीक है, आप सारी पूजा पाठ करें, ओके दी बेस्ट, बहुत अच्छा करें, बस प्रभु का नाम लेते रहो बीच में, तो वह सब हो जाएगा। ठीक है, आप नहीं उठ पा रहे कोई बात नहीं, काम धंधा भी ज़रूरी है, नौकरी भी ज़रूरी, नो डाउट ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी परमेश्वर का नाम हमारे जीवन में लेना बहुत ज़रूरी, उसका जीवन में हमारे जीवन एंट्री मारना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं है, उसके बिना जो कमाते हैं वो कमाई भी किसी काम की नहीं रहती, वो यूज़ भी नहीं कर पाते, वो ऐसे ही व्यर्थ जाती है। वो तो कहते हैं परकारों की खुश नहीं करना, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, जो उनके अभिलाषाएं जिस तरीके से पूरी होती है उसमें उनके हाँ में हाँ जो मिला दे, उनको वैसे ही उपदेशक चाहिए जैसा वो करना चाहते हैं, उनकी हाँ में हाँ वो मिलाते जाए, उनके लिए तो वही उपदेशक जो है दी बेस्ट है। जो अगर खराई से शिक्षा दे दे कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, वचन इसके अगेंस्ट बोलता है, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो तो उनके कट्टर दुश्मन हो जाते हैं, बोले दारू छोड़ दो, नशा छोड़ दो, अरे बाप रे क्या बोल दिया, है ना। वचन पढ़ लो, उसके लिए तो समय ही नहीं है। जब आपके पास समय नहीं है, हमारे यहाँ पर डेली प्रार्थनाएं होती हैं शाम को 4 से 4:30, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते ना कि रोज़ रोज हमसे नहीं जाया जाता, घर में सोए रहेंगे करेंगे, रोज रोज हमसे नहीं जाया, हम तो ऐसा जज ढूंढेंगे ना संडे में एक बार जाना पड़े। अरे जब आप यहाँ पर रह कर पर डे प्रभु को 15-20 मिनट नहीं दे पा रहे हैं, जबकि आप घर में हैं और प्रभु से उम्मीद करते हैं कि वो हमें स्वर्ग में पहुंचाए, कैसे हम उसके लिए डेली 15-20 मिनट नहीं निकाल सकते और उसे बहुत बड़ी बड़ी बातें उम्मीदें हम उससे रखते हैं, है ना। गत ऐसे लोग अपनी अभिलाषाओं के कारण ऐसे उपदेशक चुन लेंगे जो उनको मन भाए लगे, बस वो मीठी मीठी बातें बोलते रहे, जिनको सिर्फ भीड़ पसंद आती है कि ठीक है भीड़ आ जाए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं किसी से, किसी को। वो बोलता है अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, कह रहे बातें आगे आने वाले समय में क्या होगा कि लोग जो है सत्य की बातों पर तो विश्वास करेंगे, सत्य उनको सुनना ही नहीं है, उनको तो कथा कहानियाँ सुननी है, उनको तो बस वो बातें सुननी है जो उनके मतलब की हैं, जो बातें उनके मतलब की नहीं है वो उनको सुननी भी नहीं है, वो बैठेंगे भी तो ऐसे बैठेंगे जैसे कोई इधर देख रहा है कोई उधर देख रहा है, कि बस बोलते जाओ हम तो बस आगे, बस आप अपना काम करो हम अपना काम बिंदास कर रहे हैं, दो गानों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम लोग, है ना। वो कहते हैं कि पर तू सब बातों में सावधान रह, पौलुस तीमुथी को कहता है तू सब बातों में सावधान रहना, तू सबको खराई से शिक्षा देना, चाहे लोग तेरी सुने या ना सुने, तूने जो काम करना है बड़े खराई से यीशु का सुसमाचार प्रचार करना है, तूने यीशु की महिमा करनी है, तूने जो गलत काम करा है तूने उसको डांटना है, तूने उसको लाना देना है, तूने उसको शिक्षा के साथ संभालना है, तूने बड़ी सहनशीलता दिखानी है। पौलुस अपने तीमुथी चेले को यही शिक्षा दे रहा है और बोलता तू सावधान रहना। और दुख उठा, क्या बोला, सावधान रह और दुख उठा, क्योंकि प्रभु की राह पर चलते हुए खराई से सुसमाचार देते हुए दुख तो आते हैं, लोगों की बातें ना जाने किस तरीके से सुननी पड़ती हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, है ना। तो बोलते हैं कि तू बस दुख उठा, सुसमाचार के दे जैसा सुसमाचार तुझे देने के लिए बोला गया है, और सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। वो कहते तुझे इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, कोई क्या बोल रहा है बस उसके लिए सहनशील बनता चला जा, सहले सब बातों को, दुख उठा लेकिन वो काम कर जो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर के नाम की महिमा करो, यीशु का सुसमाचार दो, यीशु की बातों को फैलाओ, अपने जीवन से जो उसने हमें गवाहियां दी हमारे जीवन में उन गवाहियों को लोगों तक शेयर कर खराई के साथ, फिर चाहे लोगों को वो समझ में आए या ना आए, उनको भाए या ना भाए, तू अपना काम जो कहकर ईमानदारी से कर। यही शिक्षा आज प्रभु का आत्मा आपके और मेरे लिए भी देता है कि हमें क्या करना है, अब अंत समय आ गया है, हमें खराई से शिक्षाओं को देना है, जो गलती करे तो उसको डांटना है, उसको लाना देना और शिक्षा के साथ समझाना, उसको वचनों के हवाले देकर, अगर आपको समझ में आ रहा है कि वचन के अगेंस्ट है, प्रभु का आत्मा आपको कह रहा है कि आप उसको गाइड करें, आप उसके साथ ये करें, तो आपको उसको डांटने से चूकना नहीं है,
ये सोच कर कि कहीं भीड़ खाली ना हो जाए, कहीं लोग बुरा मान जाएंगे। लोग बुरा माने या ना माने उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक बंदे की गलती को हम देख कर अनदेखा कर दें और चुप रह जाएं और उसको अलग से कमरे में जाकर अब उसको इन बातों के लिए समझाएं, तो उसको कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा कि उसने क्या गलती करी। और साथ वाला भी कहीं जो और अन्य जवान बच्चे अगर बैठे हैं तो उनको कैसे पता चलेगा, उनको तो शर्म ही लगेगी ना कि बंदे ने एक बार कुछ ऐसे गलती करी है, पता है हमें ये बच्चा क्या कर रहा है और क्या कर रहा है। उन्होंने अकेले से चुपके जाके बात कर ली, ठीक है मामला सॉल्व हो गया। लेकिन जब उसको सबके सामने डांट दिया जाएगा, जब उसको समझाया जाएगा, तो अगले बंदे भी डर जाएंगे कि नहीं भैया हमें सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे काम करने ही नहीं है, तौबा करो ऐसे कामों से। क्योंकि क्राइस्ट की शिक्षा देने से दो काम होते हैं, या तो बंदा बिल्कुल बिगड़ जाता है कि हमें यहाँ रहना ही नहीं है, हमारे को तो डांटते रहते हैं, हमें तो ये करते रहते हैं, है ना। जिसमें मंद बुद्धि होगी वो इस बात को बुरा मानेगा और वो छोड़कर चला जाएगा। लेकिन जो सही मायने में परमेश्वर की राह पर बढ़ना चाहता है तो वो अपनी गलतियों को देखेगा कि हाँ नहीं ये आज मेरी गलती है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, और वो सॉरी बोलेगा, पश्चाताप करेगा और अपने उन रास्तों से क्या करेगा, वो वापस मुड़कर आ जाएगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ कि किस तरीके से मैंने भी आपको पहले बताया कि मेरा भी एक रिलेशन में थी, जब मेरे पास्टर ने मुझे बताया कि ये सिस्टर अगर आप प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये रिलेशन जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब मैं इतना जानती भी नहीं थी प्रभु के बारे में, स्टार्टिंग की बात है, तो जब उन्होंने बताया उसी दिन उस बंदे का नंबर मैंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। वो अलग बात है कि फिर बीच में फिर शैतान ने काम किया, फिर वो लाइफ में आया, लेकिन सब कुछ हुआ परमेश्वर ने हर एक चीज़ों से मुझे साइड करते चले गए। कोई भी गलत काम फिर दोबारा नहीं होने दिया परमेश्वर ने, क्योंकि एक ही मंशा थी, एक ही प्रार्थना थी कि प्रभु मुझे पवित्र बनना है, मुझे पवित्र बनना है जैसा आप चाहते हैं। तो परमेश्वर उस तरीके से फिर क्या करता है, वो काम करता है। जब माफ़ी मांग लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, तो बड़े से बड़े गुनाहों को माफ़ करता है। अगर हम डिठाई में बने रहेंगे तो वहां पर क्या होगा, वो काम गड़बड़ होगा, वो काम गड़बड़ होगा, और हमें गड़बड़ी में नहीं रहना है। क्योंकि जब न्याय होगा तो मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि कहते ना कि सचिन लाइफ जी की मैं जब चैप्टर्स को सुनती हूँ, उनके लेसन उनकी टीचिंग को सुनती हूँ, तो जो अभी जो हनोक के ऊपर मैं सुन रही हूँ, इतने गहरे रहस्य को उन्होंने बताया है उन चीज़ों में कि सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से स्वर्गदूतों के साथ न्याय किया गया है और हमें किस तरीके से अपने आप को सेफली करके चलना है कि नहीं प्रभु न्याय न्याय आसन के सामने हम यूं नहीं होने चाहिए, हम तो बस आपके साथ रैप्चर में बादलों में ऊपर उठ जाने चाहिए, है ना। हर पल हर लम्हा हमें बड़ी सतर्कता के साथ जीना है, क्योंकि पल 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 खिसक रहा है, उस समय रैप्चर के हम और करीब आ रहे हैं, तो हमें अपने आप को और भी ज़्यादा अलर्ट करके चलना है, वैसे चलना है जैसे प्रभु का आत्मा हमें गाइड करता है। तो ये हम सब के लिए है कि हम सबको क्या करना है, कोई गलती कर रहा है तो हमें ये देखकर नहीं कि हमारी भीड़ खाली हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, हमें सच्चाई के साथ खराई के साथ उपदेश देने हैं, बाकी बातों को परमेश्वर के हाथ में छोड़ना है। कलीसिया परमेश्वर की है, पर भेड़े परमेश्वर की हैं, वो चाहेगा यहाँ रखना तो रखेगा, वो चाहेगा उनको यहाँ से हटाना तो वो उनको हटाएगा, लेकिन हमारा काम क्या है, हमें सच्चाई और खराई से करना। फिर भले ही लोग सामने से बोले कि आप जज करते हो, आप न्याय करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, जज और न्याय एक अलग चीज़ है कि जब आप किसी के बारे में जानते नहीं हैं और आप उन बातों को बोल रहे हैं, लेकिन एक चरवाहा होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर कोई भेड़ गलत चल रही है तो हमें उसको डांट और फटकार लगा कर क्या करना है, उसको सिधाई से वहाँ पर वापस लेकर आना है, परमेश्वर की नसीकी में उसको बने रहने के लिए उसको वो शिक्षाएं देनी है, वचनों के हवाले देने हैं, अगर कोई सही मायने में गलत है तो। अगर आपको समझ में आ रहा है, पवित्र आत्मा आपको गाइड कर रहा है, तो अननेसेसरी नहीं है ना। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसा आशीष दे, क्योंकि हम सबको ही ज़रूरत है, अंत समय आन गया, आन खड़ा हुआ है, और परमेश्वर का आत्मा जब बात करता है तो सिर्फ आपसे बात नहीं करता, वो प्रचार करने वाले से भी बात करता है। तो ये शिक्षा सिर्फ आपके लिए नहीं, ये शिक्षा ये बात मेरे लिए भी है कि हमें किस तरीके से क्या करना है, प्रभु के कलाम में बने रहना है और उस सेवा को किस तरीके से हमें पूरा करना है। ये हर एक चीज़ परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है, और अगर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं
तो सच में अद्भुत कामों को हम अपने जीवन में होते हुए देख लेते हैं, है ना। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे और खराई और ईमानदारी सच्चाई के साथ चलने के लिए अनुग्रह को उड़े ले, ताकि वैसा काम हम कर सकें जिस सेवा के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। मुंह देखा न्याय ना करें, भीड़ खाली होने के चक्कर में गलत का साथ ना दें, सही का साथ दें और खराई के उपदेशों को दें, है ना। सब कुछ है।